मुख्यमंत्री पद के नाम की घोषणा होते ही भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल। फटाके फोड़ एवं नाच गाकर कर रहे खुशी का इजहार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसे मुख्यमंत्री पद मिलेगा, इस बात का लोग इंतजार कर रहे थे। आज आखिरकार आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग ही गई। ये तो तय था कि प्रदेश में भाजपा आदिवासी मुख्यमंत्री को ही आगे करेगी। हालांकि इसका पटाक्षेप आज विधायक दल की बैठक में हुआ। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से आदिवासियों को आगे लाने की कोशिश की है और इसी सोच के साथ पार्टी ने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को चुना है, जिससे हम सभी काफी खुश हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मुख्यमंत्री का चयन किया गया है, जिसमें बहुत ही अनुभवी और जुझारू, सरल, मृदुभाषी और बहुत ही अनुभवी सम्माननीय विष्णु देव सिंह साय जी को मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया है। और इससे हमें बहुत ही हर्ष हो रहा है कि एक ऐसे सरल व्यक्ति को भी आज मुख्यमंत्री के रूप में नवाजा गया है। और आने वाला समय बहुत ही, जो अभी महिलाओं को हर तरफ से असुरक्षित और महसूस कर रही थी, वो आने वाला समय महिलाएं अब सशक्त होगी और अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। हम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और वो इसी तरह, जिस तरह उन्होंने पूरा जीवन एक संघ और संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को आज यहाँ तक पहुँचाया है, वैसे ही उनका कार्यकाल भी, वैसे ही 5 साल बहुत ही अच्छे से रहे, ऐसा हम महिलाएं, बहनें, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा और भारतीय पूरे छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति ऐसी अपेक्षा रखती है। और वो हम महिलाओं के उस पे खरे उतरे, इन्हीं विश्वास के साथ आज बहुत ही हर्ष का विषय है। भारतीय जनता पार्टी जगदलपुर के कार्यालय में हमारी मातृशक्ति भी आई है जश्न मनाने के लिए, उनकी खुशी को जाहिर करने के लिए। अपने अपने हिसाब से हर लोग बहुत ही उत्साहित है। कहीं ना कहीं महिला मोर्चा महिलाओं से संपर्क की है और अब मातृशक्ति, माताएं, बहनें जागरूक हुई हैं और अपने मत का प्रयोग करने में वो भरपूर प्रयास, वो सफल रही हैं। इसलिए हम महिला मोर्चा उन माताओं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास, इस विचारधारा को लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाज का, सभी वर्गों को चिंता करने वाली पार्टी है। आप लोगों ने देखा होगा, देश में पहली बार राष्ट्रपति और वो भी आदिवासी महिला को मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी पहली बार एक आदिवासी को मुख्यमंत्री का दायित्व दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। सरगुजा, बस्तर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही सरल, सौम्य और मिलनसार व्यक्ति है, काफ़ी उनको अनुभव है, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता को अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनको एक अच्छा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिला है, हम उन्हें भी बधाई देते हैं और छत्तीसगढ़ वासियों को भी बधाई देते हैं। बस्तर और सरगुजा मिलाकर 29 आदिवासी सीटें, जिसमें से 17 हमको मिला है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी में एक अहम भूमिका बस्तर का भी और सरगुजा का भी है। पहले भी यहाँ से छत्तीसगढ़ शासन में पूर्व मंत्री पूर्व डॉक्टर अमर सिंह के कार्यकाल में मिला था। निश्चित ही ये पार्टी का निर्णय है, विधायक दल का निर्णय होगा और ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है और विकास के दृष्टिकोण से निश्चित ही सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा जाएगा। आज मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक आदिवासी का मुख्यमंत्री बनना हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और मैं निश्चित रूप से सोचता हूँ जो विकास की गाथा डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 वर्ष लिखी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो एक उचित निर्णय लिया गया, ऐसे में जो बहुत अनुभवी लगातार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और प्रदेश के अध्यक्ष रहे, विष्णु सिंह साय जी का मुख्यमंत्री बनना हम सब कार्यकर्ताओं के लिए हर्ष का विषय है। और प्रधानमंत्री जी का, मैं नड्डा जी का और सभी केंद्रीय नेतृत्व का मैं इसमें आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।
निश्चित रूप से देखिए, मुझे ऐसा आशा है, मंत्री बनाने का जो विशेष अधिकार है हमारे मुख्यमंत्री जी का रहता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस ढंग से पिछले बार कांग्रेस ने बस्तर को ठगा है, 12 में 12 सीट उनके पास थी, उसके बाद सिर्फ एक ही मंत्री थे हमारे पूरे बस्तर से, लेकिन उसके पहले के टर्म में हम सिर्फ 4 सीटें जीते थे लेकिन 2 मंत्री थे हमारे पास। यह सब चीज़ें इंगित करती है कि भारतीय जनता पार्टी बस्तर का विकास के लिए, बस्तर के जो हित की ध्यान रखती है, वो एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी।